अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज अनीबा खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अनीबा स्पीकिंग। आज है यूई विद मी का एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम व्लॉग करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ जो कि मेरी बहुत मनपसंद है, बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर। और यस, एनिमल रिलेटेड ही होने वाला है ये। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था शारजा का अरेबियन वाइल्ड लाइफ सेंटर, बट ये जो जगह हम जा रहे हैं ये उससे काफ़ी बेहतर है और मैं इसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह जाना था और मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉय होने वाला है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू गो और हम जा रहे हैं दुबई सफारी पार्क, और ये हमारे घर से ऑलमोस्ट है और लाइक 20-25 मिनट्स दूर, और इस वक्त बज रहा है दोपहर का 1:30, तो हम 2 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, वहाँ का एक लॉ है कि 3 बजे के बाद वो किसी को भी एंटर नहीं करते, तो हम लास्ट टाइम जब गए थे तो यही हुआ था कि हम 3 बजे के बाद गए थे, तो दैट्स वाई हम वहाँ एंटर नहीं कर पाए थे। तो इस बार हम टाइमली जा रहे हैं दोपहर 2 बजे से पहले पहले, 1:30 बजे निकल रहे हैं तो 2 से पहले पहले मोस्ट प्रोबेबली हम पहुँच जाएंगे। और ये मैंने कर लिए हैं रास्ते के लिए और वहाँ जाके खाने के लिए स्नैक्स। खाना तो हम बाद में ज़रूर खाएंगे, लेकिन स्नैक्स जो है वो साथ रख लेती हूँ मैं, तो स्नैक्स हेल्दी रखना था। और ये रही मेरी फ्रूट चाट, जिसमें ना केला है, ना पपीता है, ना खरबूजा है, बहुत ही एक्जॉटिक किस्म की फ्रूट चाट होती है मेरी। हम पहुंच चुके हैं दुबई सफारी पार्क। गाड़ी जितनी करीब पार्क करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चलना है। और यहाँ पे ना आपको अंदर जाने के लिए जो टिकट्स लेने हैं, वो 4 तरह के टिकट्स हैं, टिकट्स कह लें या पैकेजेस कह लें। तो एक 50 AD का है, एक 90 AD का है, और फिर जैसे जैसे पैसे बढ़ाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग है। जो मैं रिकमेंड करूँगी आपको वो है आप 90 AD वाला ले लीजिए, वो बहुत बेहतर है। उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। जो हमने लिया था वो 90 AED का ही था। पहला पार्ट जो है वो है किड्स फार्म, जो कि अंदर घुसते ही गेट के साथ सबसे पहला पोर्शन आपको किड्स फार्म का ही मिलेगा। यहाँ पे मौजूद है पेटिंग जू, हॉर्स स्टेबल, चिकन कूप्स और हर उस तरह का जानवर जिसको आराम से बच्चे हाथ लगा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, जो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। दिस वन इज़ माई फेवरेट पार्ट, किड्स फार्म। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। आप वॉक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हर जगह पे आपको बसेस, टैक्सी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस तरह की मौजूद हैं जो आपको ले जाएंगी। आप अगर ख़ुद वॉक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। किड्स फार्म के फ़ौरन बाद हमने जो देखा वो था एवियारी सेक्शंस, जहाँ पे सारे के सारे टाइप के बर्ड्स हैं। आप पैरट्स को और दूसरे तरह के परिंदों को अपने हाथ से खाना खिला सकते हो। यहाँ पे जो मुझे सबसे प्यारा लगा वो था डक्स, क्योंकि उसके लिए जो पूरी नहर टाइप की बनाई हुई है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रिटी मंज़र है। यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह खींचने के लिए बहुत अच्छा है। डक्स को आप खाना नहीं खिला सकते, आप सिर्फ पैरट्स को खाना खिला सकते हो, लेकिन पिक्चर्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत आती हैं और देखने के लिए मंज़र बहुत ही प्यारा है। Thank you.
एक्सप्लोरर विलेज से आपको मिलेगी आपकी सफारी जर्नी, जहाँ पे आपको मजीद जानवर देखने को मिलेंगे। दुबई सफारी पार्क का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ कोई भी जानवर कैद नहीं है, यानी केज में नहीं है, बल्कि वो आपको एक ऐसे बस में या एक ऐसी जगह बिठा देते हैं जहाँ से आप बआसानी सारे जानवरों को देख सकें। यानी कि आप एक तरह से कैद होकर उनको देखते हो, लेकिन जानवरों को आज़ाद रखा होता है और उनको बिल्कुल एक जंगल वाला माहौल दिया होता है। ये हम इस वक्त सफारी जर्नी के अंदर हैं, जिसमें हम एक बस के अंदर खुद बैठे हुए हैं, सारे जानवर आसपास हमारे खुले हुए हैं बिल्कुल, और हम बस के अंदर बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होके तमाम जानवरों को देख रहे हैं, खुला और आज़ाद, बिल्कुल जैसे किसी जंगल में होते हैं। असूलन जानवरों की जो फितरत है वो आज़ादाना ही होती है, और उन्हें इसी तरह से रखना चाहिए। जैसे कि पहले यहाँ पर दुबई के अंदर एक दुबई ज़ू हुआ करता था, बहुत चलता था, लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने उसको बंद करवा दिया क्योंकि वहाँ जानवरों को कैद रखा जाता था। तो अब उन्होंने ये एक बस टाइप का सर्विस चलाया है कि भाई आप जो हैं वो आप कैद रहे, आपने उनको देखना है, उनको उनकी लाइफस्टाइल से जीने दें आज़ाद तरीके से, ताकि वो खुश रहें। उनको बिल्कुल जंगल टाइप का, एक मैन मेड जंगल टाइप का बना दिया है। आपकी बस जा रही है, चारों तरफ शेर हैं, चीते हैं, सारी चीज़ें हैं, और साथ में उनके ऊपर भी किसी किस्म का जुल्म नहीं है। देखा है ब्लैक स्वान, और मैं अफ्रीकन विलेज के अंदर बस एंटर होने वाली हूँ। सबसे पहले अफ्रीकन विलेज के बाहर ही मुझे ब्लैक स्वान दिखे, मींस दे आर वेरी प्रिटी। अब हम एंटर हो रहे हैं अफ्रीकन विलेज के अंदर। और इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने क्या देखना है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ देखने को मिलेगी वो है बाथिंग एलिफेंट्स। एक और भी ना आ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा रेप्टाइल हाउस भी था, लेकिन जैसा कि आपको पता है, जब मैं अरेबियन वाइल्ड लाइफ सेंटर गई थी वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू देख लिए थे, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि अब मैं उन्हें दोबारा देखूँ, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं गई।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सारी जगह तो नहीं कवर कर पाई क्योंकि टाइम अप हो गया था, और मैं डेजर्ट सफारी भी नहीं गई इनका क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इतने सारे एनिमल्स थे, मैं सबको कवर नहीं कर सकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना मैं कर सकूँ वो करूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब मी इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स एंड वांट टू वॉच मी मोर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।